उसके बाद उसका एक रबर पंप होता है, रबर पंप आपने क्या करना है, उसकी उसके साइड पे ना एक वो वाल्व दिया होता है, उसको बिल्कुल क्लोज कर लेना है। क्लॉकवाइज उसको जब मूव करते हैं तो वो बंद हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो वो ओपन होता है। ठीक है, अब हम पेल्पेट्री मेथड में सबसे पहले और ऑस्कल देवी मेथड में दोनों में यही होना है कि सबसे पहले आपने कफ को अराउंड द आर्म रैप कर लिया है, उसके जो वाल्व है रबर रबर पंप का उसको आपने बंद कर लिया। पेल्पेट्री मेथड में क्या करोगे कि आपकी जो रेडियल पल्स है, आपने एक हाथ से अपने रेडियल पल्स, लास्ट टाइम हमने रेडियल पल्स की ना, तो एवरीबडी नोज रेडियल पल्स हम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक हाथ से अपना रेडियल पल्स के ऊपर हाथ रख लिए और हम अपनी पल्स को फील करना शुरू कर दिया। अब एक हाथ से आपने रेडियल पल्स पे हाथ रख लिया और दूसरे हाथ से आपका जो कफ है उसको इन्फ्लेट करना शुरू करो, हल्का हल्का सा उसको इन्फ्लेट करो कफ को। अब क्या होगा, जब वेन द रेडियल पल्स इज लोएस्ट तो आपने वो वाली रीडिंग नोट कर लेनी है। एक टाइम आएगा जब आपकी रेडियल पल्स आपको फील होना खत्म हो जाएगी, जैसे जैसे आप कफ अपना इन्फ्लेट करोगे वैसे एक टाइम आएगा कि रेडियल पल्स आपकी खत्म हो जाएगी, आपने वो जो रीडिंग है उस वक्त अपनी नोट करनी है। ठीक है, ये समझ आई है हर बच्चे को कि हमने अभी तक सिर्फ ये किया है कि अपना कॉफ को अराउंड द आर्म रैप किया है, एक हाथ से रेडियल पल्स को फील किया है, दूसरे हाथ से अपना रबर पंप को इन्फ्लेट किया है। कॉफ जैसे जैसे इन्फ्लेट होगा रेडियल पल्स लॉस करना शुरू हो जाएगी और हमने वो वाली रीडिंग नोट कर लेनी है। ठीक है, अब आपने मजीद जैसे ही आपकी रेडियल पल्स लॉस्ट हो गई है, मजीद अपना जो कॉफ है उसको आप इन्फ्लेट करो 20 to 30 mm मर्करी ऊपर, मजीद प्रेशर लेके जाओ और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर को डिफ्लेट करना है। जैसे जैसे डिफ्लेट करोगे तो एक टाइम दोबारा आएगा कि जब रेडियल पल्स रीअपियर होगी। ठीक है, अब जब रेडियल पल्स रीअपियर हुई है तो हमारा ये सिस्टोलिक प्रेशर है। एक और चीज तो याद रखनी है कि पल्पेट्री मेथड से हम सिर्फ सिस्टोलिक प्रेशर ले सकते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर नहीं ले सकते। ठीक है, समझ आइए ये सबको। अच्छा, एक और चीज जो याद रखनी है कि जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है वो आपका 5 mm मर्करी लेस होता है टू द मेथड जो हम ऑस्कल्टेटरी मेथड से हम लेते हैं, उस रीडिंग से जो ऑस्कल्टेटरी मेथड से लोगे, क्योंकि वो एक्यूरेट होती है, उससे आपका पल्पेट्री मेथड की रीडिंग 5 mm हमारी कम आती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो शुरू में कुछ टाइनी पल्सेस होती हैं वो इसके अंदर हम वी फेल टू डिटेक्ट दोस पल्सेस फ्रॉम पल्पेट्री मेथड। पल्पेट्री मेथड में बस इतना ही है, ये समझ आई है हर बच्चे को। बस हमने हमने इसमें सिर्फ यही किया है कि अपना कफ को अराउंड द आर्म रैप किया है, एक हाथ से रेडियल पल्स को फील किया है, दूसरे से इन्फ्लेट किया है। जब हमारी रेडियल पल्स लॉस्ट हो जाएगी उस वक्त एक रीडिंग लेनी है, फिर मजीद प्रेशर को इंक्रीज करना है और फिर जब रेडियल पल्स वापस आ जाएगी डिफ्लेट करने के बाद तो हमारी वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। समझ आया है? यस मैम। एक और चीज जो मैंने बताई है, ये 5 mm लेस होती है और लास्ट टाइम मैंने रेडियल पल्स करवाई है ना, तो रेडियल पल्स के लिए रिस्ट पे हाथ रखोगे जैसे लास्ट टाइम रेडियल पल्स करवाते हुए रखा था, क्योंकि रेडियल पल्स रिस्ट में ही है ना। लास्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट आप लोग को जो करवाया है वो रेडियल पल्स की इतना डिटेल वो करवाया था ना, तो रेडियल पल्स इट्स ओके। आपने वो रैप तो कर दिया ना आर्म पर, एक हाथ आपका जो आपके पास रबर पंप है वो आपके साथ ही पड़ा है दूसरे हाथ के, तो आपके दोनों हाथ तो साथ साथ ही ना, एक हाथ आपका रेडियल पल्स है, दूसरे से आप अपना जो रबर पंप है उसको इन्फ्लेट और डिफ्लेट करोगे। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड मेथड हमारा क्या है, जो हमने जो हमारा एक्यूरेट मेथड है और जो हम करते हैं वो है ऑस्कल्टेटरी मेथड, जिसे हम स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। इसके अंदर सेम है, पहले आपने बस एक जो आपका सब्जेक्ट है उसको बहुत रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल कंडीशन में बिठाना है और उसको रिलैक्स करना है, मतलब ब्लड प्रेशर क्योंकि आपको एंजाइटी की वजह से, और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके आए हो या आपका पोस्चर बार बार चेंज हुआ है तो तब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो आपके लिए ये जरूरी है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको बहुत रिलैक्स एनवायरनमेंट दो, उसको अलग से कहीं बिठाओ, अगर वो थोड़ा एंजाइटी में है तो उससे पहले नॉर्मल बातें करो और उसको रिलैक्स स्टेट में लाओ। ठीक है, उसको बस सबसे पहले आपने रिलैक्स एनवायरनमेंट में बिठाया, उसके अलावा क्या करना है, वहीं पे आपने अपना जो कफ है 5 cm अबव द
एल्बो ज्वाइंट, उसको क्यूबिटल फोसा भी कहते हैं ना, एल्बो ज्वाइंट के पास। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर अबव द क्यूबिटल फोसा आपने कर्व रैप किया है। इसी तरह से हमने उसका जो रबर पंप है हमारा, उसका वाल्व को क्लोज करना है। अब इसके अंदर हमने उसमें कौन सी आर्टरी फील की थी? रेडियल पल्स की थी। इसके अंदर हम ब्रेकियल आर्टरी के पल्सेशन को हमने फील करना है। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पर होती है? मीडियल साइड ऑफ द क्यूबिटल फोसा। तो हम क्या करेंगे? पैल्पेट द ब्रेकियल आर्टरी पल्सेशन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द क्यूबिटल फोसा। अब आपका जो स्टेथोस्कोप होता है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका चेस्ट पीस होता है जिसको हम डायाफ्राम भी कहते हैं, और एक आपका होता है बेल। जो आपका जो स्टेथोस्कोप देखा है हर एक ने, उसका एक जो जो ज्यादा डायामीटर होते हैं ना, जो बड़ी वाली साइड होती है जो हम चेस्ट पे रखते हैं, उसको हम कहते हैं डायाफ्राम। जो उसकी बैक साइड होती है ना, जो हल्का सा सर्कल होता है बैक साइड पे छोटा सा, उसको हम कहते हैं बेल। ठीक है, जो मोस्टली हमने हर जगह अपने टीवी ड्रामा हर जगह जो साइड देखते हुए रखते हैं, जो हम देखते हैं ना कि जो साइड रखी जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। चेस्ट पीस भी उसको कहा जाता है। वो हम क्यों यूज करते हैं? बेल का क्या यूज है और डायाफ्राम का क्या यूज है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल साइड ऑफ द चेस्ट पीस, उसको हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट लो पिच साउंड लाइक हार्ट साउंड, और जो हाई पिच साउंड है ना, वो आपके ज्यादा बेहतर डायाफ्राम से सुने जाते हैं। ठीक है, हाँ, जब हमने नहीं जब हमारे हार्ट के कुछ मर्मर्स होते हैं ना, मर्मर्स का पता है ना, एडिशनल साउंड्स होते हैं जो हार्ट के, उसमें हम कुछ कंडीशन में कुछ हाई पिच्ड मर्मर्स होते हैं, कुछ में लो पिच्ड मर्मर्स होते हैं। जो लो पिच्ड मर्मर्स होते हैं ना, वो हम बेल साइड से सुनते हैं। जैसे कि माइट्रल रिगर्जिटेशन हमारी एक कंडीशन होती है, उसके अंदर हमने बेल साइड होते हैं। बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनल ईयर का है, उसके अंदर हम जो भी पेशेंट आते हैं ना, तो वो आपका एग्जामिनर देखता है कि वो कहते हैं कि मर्मर सुनो, और अगर हम बेल साइड रखते हैं ना, तो उसको ये मतलब कन्फर्म हो जाता है कि इसको पता है कि बेल साइड, क्योंकि वो लो पिच साउंड है तो वो बेल से ही सुना जाता है। ठीक है, इस लेकिन यहाँ पर हमने अपनी वो वाली साइड रखनी है, डायाफ्राम रखना है। मोस्टली डायाफ्राम रखते हैं, कुछ कुछ लोग वैसे बेल भी रखते हैं, लेकिन डायाफ्राम ही रखा जाता है इसमें। ठीक है, हार्ट के मर्मर्स डिफरेंट जगह पर होते हैं। अभी वो लाइक इस तरह से है कि आपके हार्ट के ना फोर साइड्स होती हैं। चेस्ट की जब आप वो करोगे ना एग्जामिनेशन, तो उसके अंदर हमारा एक ट्राइकस्पिड एरिया है, माइट्रल एरिया है, तो उसके जो डिफरेंट कंडीशन है, उसके डिफरेंट मर्मर्स डिफरेंट एरियाज में होते हैं। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल माइट्रल रिगर्जिटेशन का सुनते हैं, तो एक पल्मोनरी एरिया होता है हार्ट पे, हम वहां पे रखते हैं। एक ट्राइकस्पिड एरिया है, एक माइट्रल एरिया, उन सब में जरूरी नहीं है आपने बेल से सुनना है। कुछ कंडीशन, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस के डिफरेंट साउंड्स होंगे ना, तो किसी में हाई पिच्ड होगा, किसी में लो पिच्ड होगा। जहाँ हाई पिच्ड होता है उसको आपने डायाफ्राम से सुनना है, जो लो पिच्ड है उसको आपने बेल से सुनना है। लेकिन वो जब आप वो पढ़ोगे हार्ट और चेस्ट का, उसमें आप बेटर यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। यहाँ पर अभी सिर्फ इतना ही है कि बस डायाफ्राम रखना है। ठीक है, अच्छा, क्या किया था अभी हमने कि आपने वहां से अपनी ब्रेकियल आर्टरी की पल्सेशन को फील किया है। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ है? मीडियल साइड ऑफ द क्यूबिटल फोसा पे। फिर आपने जो आपका चेस्ट पीस पे जो डायाफ्राम वाला पोर्शन है, उसको आपने कफ से नीचे ओवर द ब्रेकियल आर्टरी वहां पे प्लेस कर देना है। ठीक है, अब आपने अपना जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करो। कैसे करोगी? इन्फ्लेट द कफ प्रेशर, और हमने एटलीस्ट 100 से ऊपर लेके जाना होता है, बल्कि 120 से ऊपर लेके जाते हैं। मतलब जो प्रेशर है ना अपना पंप, वो करती रहोगी इन्फ्लेट, तो प्रेशर वो 120 से ऊपर जाएगा। अच्छा, इतना करना है कि आपके जो कोई भी साउंड उस वक्त आपको मतलब कोई साउंड आपको ना सुनाई दे, इतना आपने उसको प्रेशर को इंक्रीज करते रहना है। और हमारा जो प्रेशर, हमें कोई भी आवाज नहीं आ रही होती, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आर्टरी है वो कम्प्लीटली कोलैप्स्ड हो गई है। वहां पर हमने उसको कम्प्लीटली इतना प्रेशर उसका इंक्रीज कर देना है कि आर्टरी वहां पे कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाए और कोई भी साउंड हमें अब ना सुनाई दे उसका। अच्छा, ठीक है, अब ये हो गया। अब आपने क्या करना है? हल्का हल्का सा ना अपने वाल्व को खोलना है, एकदम से नहीं खोलना, हल्का हल्का सा उसको। जब अपना वाल्व को ओपन करोगे ना, तो आपका जो प्रेशर है वो स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा। अच्छा, अब जब ऐसे ही आपका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता आप करोगे, तो फर्स्ट आपकी टैपिंग साउंड आपको सुनती है। जैसे आप 10 मिलीमीटर मर्करी अगर फॉर एग्जांपल नीचे ले आए हो ना अपना, तो आपको एक टैपिंग साउंड सुनेगी। उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द फर्स्ट साउंड एंड दिस इज द सिस्टोलिक प्रेशर।
समझ आई है? अब हमने क्या करना है, पहला साउंड तो हमें सुनाई दिए ना, ये हमारा फेज वन का साउंड है, ये हमने 10 मिलीमीटर अपना प्रेशर डिक्रीज किया था। अब सेकेंड साउंड क्या होगा, वो एक सॉफ्टवेयर मर्मर के जैसे होगा, और वो 10 to 20 हम जितना मजीद नीचे लेके जाएंगे ना, तो हमने एक सॉफ्टवेयर साउंड दोबारा सुनाई देगा, वो होगा फेज टू। फिर फेज थ्री का जो साउंड होगा ना, वो कंपैरेटिवली आपका लाउडर होता है, और वो आपने मजीद जब 10 to 20 10 to 15 हमारा डिक्रीज करते हैं तो तब आपको सुनाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ साउंड होगा कि आपका जब साउंड बिल्कुल आपका मफल साउंड होगा ना, और उसके बिल्कुल रिड्यूस इंटेंसिटी वाला साउंड होगा, फिर हमें वो सुनाई देगा, और उसको मजीद जब 5 मिलीमीटर कम करते हैं तो आपका बिल्कुल सारे साउंड डिसअपेयर हो जाते हैं। जब सारे साउंड डिसअपेयर हो गए उसको हम कहते हैं ये डायस्टोलिक प्रेशर है। तो बेसिकली जब साउंड सुनाई देना खत्म हो चुका वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है, और जो सबसे पहले साउंड सुनाई दिया था वो क्या था, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सेट से सुनाई देता है ना, वैसे आप जो आइडियली ना आपने ब्लड प्रेशर किसी रिलैक्स एनवायरनमेंट में लेना होता है, लेकिन ऑब्वियसली आप इतना रिलैक्स एनवायरनमेंट हॉस्पिटल में तो नहीं होगा, लेकिन आपका स्टेट लिटमैन लेना ना, लिटमैन से सारी आवाजें आ जाती है। वैसे लिटमैन भी जरूरी नहीं होता, नॉर्मल वैसे स्टेथोस्कोप से भी आ जाती है आपको आवाज, जरूरी नहीं है कि लिटमैन ही आए, हर जितने भी आपके स्टेथोस्कोप है ना वो इतने होते हैं कि आपको, क्योंकि आपका सारा फोकस आवाज सुनने पे है ना, आप इधर उधर अपना ध्यान नहीं है, आपका सारा फोकस है तो आपके कानों में वो लगा तो आपको आवाज आएगी। अच्छा, बेसिकली आपने एक आपने देखा तो मर्करी की तरफ है ना, उसका जर्क ऐसे कोई जर्क नहीं आता, आवाज नहीं आती उसकी, आपने डिफ्लेट करते रहने और मर्करी पे देखते रहे होना है आपने, जैसे आपका जैसी आवाज आएगी मर्करी के ऊपर आप देख रहे होगे, आपको पता लग जाएगा कि इस वाले मेजरमेंट पे मेरी आवाज आई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर 120 पे आवाज आई है तो आपको पता लग गया कि सिस्टोलिक प्रेशर 120 है। मजीद जैसे जैसे काम करोगे, देख तो मर्करी की तरफ रहे हो ना, आपने अपने जो रबर पैम्पर उसके ऊपर देखना तो नहीं है, उसको तो बस हाथ से यूज करना है, आहिस्ता आहिस्ता उसको डिफ्लेट करना है उसके पफ को, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ऑस्कल टेट्री मेथड आपको करवाते हैं, और जो पैल्पेट्री मेथड है वो भी करवा लेते हैं कभी कभी, आना चाहिए, लेकिन वो इतना ज्यादा हम अब यूज नहीं करते। अच्छा, एक डायरेक्ट मेथड भी होता है जो बिल्कुल भी नहीं करते, वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैन्यूला होता है वो, उसको किसी मैनोमीटर से हम अटैच कर देते हैं, और जो कैन्यूला होता है उसको आर्टरी में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब जो कैलिब्रेशन आपकी मैनोमीटर की होती है वो आपको ब्लड प्रेशर बता देते हैं, जैसे कैन्यूला आपके आर्टरी में जाते हैं जो मैनोमीटर के ऊपर कैलिब्रेशन आएंगी वो आपको ब्लड प्रेशर बता देगी। ये बस पता होना चाहिए, इसके अंदर करवाते वगैरह कोई भी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे बस ही हमने मेथड करना है, क्योंकि जाहिर है ब्लड प्रेशर के लिए हम अंदर सुई तो नहीं डालेंगे ना किसी में। कैन्यूला हॉस्पिटल में कभी ड्रिप लगते हुए देखिए, कैन्यूला अंदर डाल देते हैं, जो आपका ड्रिप बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में ड्रिप लगते हैं। ना बेटे मैं आप इसको कल खा दूंगा, लगाते भी नहीं देखी। अच्छा ठीक है, लगी भी जो होती है ना उसको कैन्यूला ही कहते हैं, ये जो आपका अगर ये डोर्सम ऑफ द हैंड पिक्स लगी होती है ना टेप्स के साथ वो कैन्यूला है मैम, वो जिसका ब्लू कलर का वो होता है। हाँ, ब्लू भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, वो डिफरेंट ड्रिप्स yes. होती हैं। हाँ, वो उस इस वाले मेथड में नॉर्मली नहीं, मतलब जब हमने डायरेक्ट मेथड करना है तो कैन्यूला के साथ एक वो अटैच होता है मैनोमीटर, तो कैन्यूला को हम किसी भी आर्टरी में डाल देते हैं और मैनोमीटर के ऊपर कैलिब्रेशंस आ जाएंगी, वो देख लेंगे। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, बस पता, ये एक बस पता होना चाहिए कि एक डायरेक्ट मेथड भी होता है जो हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हम डिजिटल मेथड ठीक होते हैं, किसने कहा ठीक नहीं होते, हम आजकल हॉस्पिटल्स वगैरह में जब आपकी जो इमरजेंसी है उसमें डिजिटली तो लगा हुआ होता है, उसमें मैनुअल मैनुअल कौन करता है। पता नहीं, लेकिन इतना होता नहीं है, आप साथ साथ